फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। सो फिर आज का ये व्यू आप देख रहे होंगे, तो फिर आज का ये हमारा वीडियो होने वाला फैक्ट्री व्लॉग 2, जिसमें हमने पहले वीडियोस में आपको हमारी फैक्ट्री के जो सारे चीज़ें हैं और जो भी मशीनरी लगी हुई है उनके बारे में हमने बात की हुई थी, और आप सब ने काफ़ी अच्छा वो इस वीडियो को देखा और काफ़ी अच्छे अच्छे सबके कमेंट्स जो है आए थे। अब उसके बाद जो है आज के इस वीडियो पे जो है अभी जो है हम फैक्ट्री में ही बैठे हैं, और सुबेरे का टाइम है, ये मॉर्निंग टाइम है अभी, और इसी के साथ सोचे कि ये जो वीडियो होने वाली है। सो फिर जो है आज के इस दूसरे फैक्ट्री व्लॉग वीडियो पे हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि हमारे इस छोटे से गार्डन्स में भी लगी हुई हैं, और ये कोई टाइम पास वीडियो नहीं होगा। इसमें भी कुछ चीज़ें मैं आपके सीखने के लायक जो है बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कुछ पौधे पीछे लगे हुए देख रहे होंगे, छोटे पौधे भी हैं जो जिसमें फ्लावर्स भी काफ़ी सारे आपको दिख रहे होंगे, और काफ़ी सारे हैं। अभी तो एक पीछे का पोर्शन का एक व्यू है, आगे मैं आपको घूम के दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या ऐसी चीज़ें लगी हैं जो कि हम उससे कुछ चीज़ें जो है सीख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं अपना जो है छोटा सा ये जो गार्डन है और वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा, और वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए, और फिर जो है बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ से हम जो है देखने को मिल सकती हैं। सो फिर जो है कुछ इस तरीके से जो है हमारे ये इस फैक्ट्री का जो है बाहर का नज़ारा है, मतलब आउटडोर का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे यहाँ से, यहाँ भी कुछ फ्लावर्स के जो है छोटे पौधे लगे हुए हैं जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। और सबसे पहले बात करेंगे इस पौधे के बारे में। गैस करो कि ये पौधा जो है किस चीज़ का जो है हो सकता होगा, क्योंकि ये जो है हमारे फ्रैग्रेंस से रिलेटेड जो है काफ़ी सारी चीज़ों पे यूज़ होती हैं जिस तरीके से आपको ये दिख रही हैं। और ये आपको दिखेगा थोड़ा सा अलग, घास के जैसा एक पौधा आपको जो है देखने को मिलेगा। बताना चाहूँ तो ये जो है इसे हम बोलते हैं लेमन ग्रास, ये नाम काफ़ी आपने सुना होगा, और लेमन ग्रास का जो पौधा है कुछ इस तरीके से ही होती हैं। हल्की जो है पतली पत्तियां आपको देखने को मिलेगी जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, और ये जो है फ्रैग्रेंस में इसका काफ़ी बड़ा नाम है दोनों में। सो फिर जो है यही है एक लेमन ग्रास, जिसे कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। ये पत्तियाँ सूख जाने के बाद इसका जो है कुछ इस तरीके से ऑयल वेस्ट निकाला जाता है, जिसको बोला जाता है एसेंशियल ऑयल, और इसी एसेंशियल ऑयल का काफ़ी सारे जगहों पे यूज़ किया जाता है, होम्योपैथी या फिर थेरेपी हो गया, या फिर मेडिसिन के लिए हो गया, या फिर मैं बोलूँ तो एज अ फ्रैग्रेंस से रिलेटेड भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। मतलब काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है लोग इसका खेती भी करते हैं, और कुछ इस तरीके से ये जो है हमारे पास लगी हुई है, और दूर से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा तो कुछ इस तरीके से ये पौधा जो है आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, तो आगे चलते ही आपको देखने को मिलेंगी और काफ़ी सारे जो है फ्लावर से रिलेटेड जो कि हमने लगाए हुए हैं, और इसी के साथ जो है ये एक छोटा सा गार्डन आप देख पा रहे होंगे, इसमें काफ़ी सारे अलग अलग जो है फ्लावर्स आपको देखने को दूसरी तरफ। तो फिर वहाँ की भी चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है हमारा एक बादाम का जो है पेड़, पिछले टाइम मैंने पौधा बोल दिया था, हालांकि जो चीज़ें हैं वो जल्दबाजी में हो गई। ये है बादाम का एक पेड़ जो कि काफ़ी बड़ा होता है, मतलब इसकी जो फलने की जो क्षमता है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ये छायादार इसको एक तरीके से पेड़ मान सकते हैं, जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर है। अब जो कि हम चलते हैं सीधे की तरफ, तो यहाँ पे आप देखोगे तो बड़े जो पेड़ लगे हुए हैं ये आम के पेड़ हैं। बेसिकली इसका सीज़न तो अभी नहीं है, बाकी अभी फलना ये जो है स्टार्ट हो गया है।
आगे जो है एक रोड साइड पे दोनों तरफ फ्लावर की जो है छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँ तो ये है जो कि आपके डेली यूज़ खाने में यूज़ होती हैं, राहर का दाल जिसको बोलते हैं राहर दाल, तो उसका ये पौधा है। और यहाँ पे छोटे छोटे फूल यहाँ पे लगे हुए हैं, अभी कुछ ही दिनों में ये फलना स्टार्ट हो ही जाएगा और फ्लावर्स कुछ इस तरीके से आपको जो है देखने को मिलेगा। ये जो है अशोक का जो है पेड़ इसे कहा जाता है, जो कि हमने काफ़ी सारे लगाए हुए हैं। और ये हमारा जो है मेन पार्ट है, मतलब मेन रास्ता है, तो इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ जो है काफ़ी सारे लगे हुए हैं यहाँ पे आपको जो है। सो फिर यही है तुलसी का पौधा, जिसके बारे में अभी काफ़ी सारे लोग ये क्वेश्चंस करते हैं कि भाई, क्योंकि शास्त्र में ये कहा जाता है कि तुलसी को कभी जो है जलाया नहीं जाता, जैसा कि आप जानते होंगे और सुने भी होंगे। लेकिन कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए ये सारी चीज़ें जो है करने लगे। हालांकि इसका जो प्रोसेस है वो इनके पत्तियों से या फिर जो कुछ इस तरीके से इसके दाने होते हैं इससे नहीं होता, वो आर्टिफिशियल है। बेसिकली वो एक इस तरीके के फॉर्मूलेशन है जो कि उसको डेवलप करके तुलसी का जो फ्लेवर होता है उस तरीके से वो कर देता है। और इससे जो है तुलसी के रियलिटी से जो है पौधे के बेस से जो है कोई लेना देना नहीं होता, वो एक अलग चीज़ें हैं कि लोग उसे क्रिएटिव करके जो है तुलसी का नाम दे देते हैं और उस टाइप का फ्रेग्रेंस जो है रेडी कर देते हैं। हालांकि इसकी जो है कभी आप अपने घर पे देखे होंगे तो काफ़ी अच्छा ये खुशबू देती है। अभी पास में ही मैं अभी खड़ा हूँ इसके, और यहीं से जो है फ्रेग्रेंस यहाँ से आना चालू हो गया है। और इसके बाद जो है आगे मैं दिखाता हूँ, तो ये एक और जो पौधा है हमारे फ्रेग्रेंस से रिलेटेड ही है। बेसिकली इसके बारे में आप जानते होंगे, जिसको कहा जाता है पारिजातक पेड़, जो कि भगवान कृष्ण, अगर आपने गीता पढ़ी होंगी तो उसमें इसका बहुत बड़ा जो है उल्लेख किया गया है। और इसकी जो है मान्यता काफ़ी ज़्यादा है। कुछ फ्लावर्स अभी यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे जो कि कुछ इस तरीके से जो है वाइटनेस होती है इसमें, और जो है थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का इसमें से इसकी डंडियाँ जो है आपको देखने को मिलेंगी। पूजा में काफ़ी ज़्यादा इसका जो है यूज़ किया जाता है, और इसके फूल को तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सीधे सीधे ज़मीन पे गिर जाती हैं सुबेरे होते तक। कुछ मैं देखूं तो दिखाऊं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये है। और फिलहाल अभी इसका फ्लावर का सीज़न जो है ख़त्म हो गया है, तो अभी जो है इसकी फूल्स बहुत कम तरीके से लग रहे हैं, और इसका फ्रेग्रेंस भी आपको देखने को मिलेगा। पारिजातक के नाम से इसका फ्रेग्रेंस भी आता है। तो फिर कुछ इस तरीके जो है पारिजातक की जो पेड़ है आपको देखने को मिलेगा, और इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी अलग है। मतलब फ्लावर गिरते ही इसकी फ्रेग्रेंस जो है आने लग जाती है, मतलब दूर तक इसकी जो है फ्रेग्रेंस फैलती है, इसलिए इसका फ्रेग्रेंस में भी काफ़ी अच्छा महत्व है। और यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिलेगा कुछ टमाटर के छोटे पौधे, और ये सामने बड़ी बड़ी पत्तियों में आपको दिख रहा होगा, ये है हल्दी का पौधा। बेसिकली ये तैयार हो चुका है, बाकी इसका जो है कोड़ाई करना भी बाकी है। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ और आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली ये जो है काफ़ी पत्तियोंदार वाली जो पौधे आपको पेड़ आपको दिख रहे होंगे, इसको कहा जाता है कटहल का पेड़, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा और सुंदर जो है दिखता है। अब यहाँ से जो है हम आगे की तरफ आ चुके हैं, और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, मतलब गेट आपको दिख रही होंगी। यहाँ से हमारा छोटा गेट है, बड़ा गेट है, आगे काफ़ी सारे बिल्डिंग्स वगैरह आपको भी दिख रहे होंगे जो कि हमारे ग्राउंड्स के बाहर पे है। और एक नीम का जो है बड़ा पेड़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी एक चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँ तो ये आंवला का वृक्ष आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो फिर जो है आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है हमारा फैक्ट्री का आउटडोर व्लॉग अच्छा ज़रूर लगा होगा, और मैंने कुछ चीज़ें बताने की कोशिश की जो कि हमारे फैक्ट्री के बाहर जो चीज़ें लगी हुई हैं उसके बारे में।
और मैं बस यही कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत जल्द हमारे बिजनेस से रिलेटेड वीडियोज़ आना चालू हो जाएंगी, क्योंकि अभी जो है फेस्टिवल का टाइम था, काफ़ी सारे जो है छुट्टियाँ चल रही थी, तो इसके बेस में थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने ये सारी चीज़ें जो है बताने की कोशिश की है। और जो है फिर से हम 2-3 दिनों पे अपने वर्किंग प्रोसेस में लौटेंगे और फिर बिजनेस के जो बातें हैं वो हम करेंगे। मिलते हैं आने वाले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।